Good morning, student. Jai Shardima, Jai Gurudev. Today we are going to start a new lesson. Lesson number 7, Internet Services and Cyber Crime. अब इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि इंटरनेट सर्विस कौन कौन सी होती है, किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर हम लोगों को इंटरनेट सर्विसेज मिल सकती है, उसमें साइबर सिक्योरिटी कैसे हम लोगों को रखनी है, किस तरह के साइबर क्राइम होते हैं, हैकिंग एंड क्रैकिंग क्या है, जैसे कई सारे ऐसे चीज़ हम लोग इंटरनेट पर रेगुलर हम लोग देखते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन द इंट्रोडक्शन, In the previous class, you have learned about email and how internet play an important role in sending and receiving emails. Yes, कि हम लोगों ने last year हम लोगों ने देखा था कि हम लोग internet को कैसे use करते हैं, उसमें email का meaning क्या होता है, internet कैसे उसमें main player जो role होता है. Yes, कि अगर email हमें किसी को भी person को send करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, internet connection चाहिए. तो उसका main role क्या है, हम लोग कैसे मैसेज को सेंड करते हैं, किस तरीके से उसको रिसीव करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली थी. देन विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, द रोल ऑफ इंटरनेट इज़ नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स. यस, कि जो भी हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, अगर इंटरनेट नहीं है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम लोग मैसेज सेंड करते हैं वो सेंड होंगे नहीं, और कोई भी मैसेज हम लोगों को नहीं मिलेगा. नाउ इंटरनेट इज़ यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, शॉपिंग एंड बैंकिंग. यानी कि अभी सभी जगहों पे, यस, हम लोग जिस जगह पे जाते हैं, जिस प्लेस पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पर हम लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत रहती है. क्यों, हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत रहेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है, ऑडियो कॉन्फ्रेंस करना है तो भी हम लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत रहती है. जैसे हम लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, यस, तो वहाँ पर हम लोगों को कोई भी मैसेज को सेंड करना चाहते हैं तो इंटरनेट ऑन रहना ज़रूरी है. शॉपिंग करना है, ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग कई बार हम लोग करते हैं घर पे बैठे बैठे, तो भी हम लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत रहती है. और जो भी बैंकिंग सर्विसेज होते हैं, जैसे कि किसी को मनी ट्रांसफ़र करना है, पैसे को आपको इंक्वायरी देखनी है, आपको अपना स्टेटमेंट देखना है, तो ऐसी कई सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू करवा सकते हैं. नाउ कब कौन कौन सी इंटरनेट सर्विस हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड होती है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे. इंटरनेट सर्विसेज अलाउज अस टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ओवर द इंटरनेट. यस, कि हम लोग कहीं सारे ऑपरेशन हम लोग इंटरनेट के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं, उसको अलाउ करवाते हैं ताकि हम लोग इंटरनेट के थ्रू कई सारी जगहों पे हम लोग उसको यूज़ करवाते हैं. वी कैन ऑल्सो एक्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सच एज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट. सारी चीज़ उसमें टेक्स्ट आ गया, इमेज आ गई, ऑडियो आ गया, वीडियो आ गया, सॉफ्टवेयर भी, जैसे हम लोग कई सारी और भी चीज़ को वहाँ पर उसको यूज़ एक्सेस मीन्स यूज़ करना है. यस, एक्सेस का मीनिंग ये नहीं कि आप लोग जो बाइक आती है वो नहीं, लेकिन पर्टिकुलरली कि हमने कौन से टाइप का डेटा हमें यहाँ पर चाहिए, किस टाइप का डेटा चाहिए. अगर आप लोग गूगल पे जाके सर्च करोगे कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेट, तो आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स मिलेगी. कोई इन्फॉर्मेशन आपको एज अ टेक्सचुअल मिलेगी, कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आपको ऑडियो में मिलेगी, वीडियो में भी मिल सकती है इन्फॉर्मेशन. तो हर जगह पे हमें इंटरनेट की ज़रूरत रहती है. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द इंटरनेट सर्विसेज इन डिटेल. अब कौन कौन सी सर्विस हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है, अब हम लोग यहाँ पर उसके बारे में देखेंगे. द फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन. इंटरनेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टूडे. यस, दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि हमें कोई भी कम्युनिकेशन करना है, हम लोग बिना इंटरनेट को उसको यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन हमारी जो कम्युनिकेशन अभी हो रही है वो नावाडेज कितनी कैसी हो गई कि वो ज़रूरी होगी. इंटरनेट के बिना आप लोग कोई भी, जैसे आप लोग अभी वीडियो को देख रहे हो तो वो भी आप लोग इंटरनेट के थ्रू ही देखते हो, आप लोग हाँ डाउनलोड करके आप लोग देखते हो, वो सही बात है, लेकिन हमें इंटरनेट की ज़रूरत रहती है फर्स्ट टाइम जब भी हम लोग डाउनलोड करते हैं तब. कम्युनिकेशन विथ अदर पीपल हैज़ बिकम मच इजियर विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट. यानी कि कम्युनिकेशन करना दूसरे पीपल के साथ कितना हो गया, ईजी हो गया इंटरनेट की वजह से. जैसे कि अभी हमें अपने कोई भी फ़ोटो क्लिक करने हैं, उसको किसी को भेजना है, या फिर कोई भी हम लोगों ने PDF फाइल है, या फिर कोई भी ऐसे हम लोगों ने कोई भी फ़नी वीडियोज़ बनाए हैं वो भी हमें शेयर करने हैं, तो हम लोगों के जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, किसी को ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजना है, तो वो कितना ईजी हो गया ताकि इंटरनेट की वजह से हम लोग कोई भी पर्सन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम लोग अपनी आवाज़ या फ़ोटोज़ है, अपने जो भी मेमोरीज़ होती है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं. Apart from sending emails, you can talk to others almost face to face over internet.
यस, कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ईमेल को ही भेज सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू टॉक टू अनदर पर्सन, कि अगर कोई भी दूसरे पर्सन के साथ, आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, उसके साथ अगर आप लोगों को बातचीत भी करनी है फेस टू फेस, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करना है, तो भी हम लोग को किसकी ज़रूरत रहेगी, इंटरनेट की ज़रूरत रहेगी। यू कैन शेयर योर व्यूज़, आइडियाज़, वीडियोज़ एक्सेट्रा विथ योर फ्रेंड्स बाई जस्ट वन क्लिक, यानी कि आप लोग अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हो, अपने आइडियाज़ भी दे सकते हो किसी और पर्सन को, कोई भी वीडियोज़ आपको अगर शेयर करना है, ऐसी कई सारी चीज़ आप लोग व्हाट्सअप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जो हम लोग अभी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो आप लोग जस्ट वन क्लिक के थ्रू अपने 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 जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक ही क्लिक पे आप लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सेंड कर देते हो, तुरंत ही शेयर कर देते हो। यू कैन कीप योर सेल्फ अपडेटेड ऑन लेटेस्ट न्यूज़ एंड इवन एड योर कमेंट्स टू इट, यानी कि आप लोग रेगुलरली क्या मिलते हैं, आप लोगों को रेगुलरली अपडेट न्यूज़ मिलते हैं कि आज कितना हुआ, आज कौन मीन्स के कहाँ पर क्या होता है, हम लोग लाइव मैच घर पे देखते हैं, इज वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोग रेगुलर न्यूज़ चैनल भी देखते हो तो वहाँ पर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ आप लोगों को शेयर मिलता है, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है, आप लोग अपने कमेंट्स भी वहाँ पर दे सकते हो ताकि सभी को पता चले कि आप लोगों ने क्या लिखा है, किसके बारे में, कोई अच्छा भी लिखता है, कोई बुरा भी लिखता है, तो आप लोग ऐसे अपने कमेंट्स भी वहाँ पर शेयर कर सकते हो। सम ऑफ द पॉपुलर वेज यूज फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट आर, यानी कि अब कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स दिए गए, कुछ वेज दिए गए जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के थ्रू हम लोग वो चीज़ को यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, अंडरलाइन, यस, ये फुल फॉर्म है किसका, ईमेल का। यू कैन सेंड मैसेजेस एंड फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू योर फ्रेंड्स कंप्यूटर एंड वाइस वर्सा यूजिंग ईमेल सर्विसेज, यानी कि इसके थ्रू क्या होगा कि अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है तो, या फिर मैसेज भेजना है, कोई फाइल भेजनी है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, अपने फ्रेंड्स के कंप्यूटर में, या फिर आप लोग क्या करते हो कि आपका फ्रेंड या कोई भी फाइल को शेयर करता है तो वो आप लोगों को मिलेगा, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइस वर्सा। हम लोग सेंड करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेंडिंग, और जो हमें रिसीव करना है, यानी कि अपना फ्रेंड्स हम लोगों को कोई भी चीज़ भेजता है तो हम लोग, हमारे लिए वो क्या बनेगा, रिसीव। तो दोनों मीनिंग है, एक ही मीन्स के वाइस वर्सा होते हैं। वी आर सेंडिंग, अगर हम लोग कोई भी फाइल को सेंड करते हैं तो वी आर सेंडर, अगर हम लोग किसी भी फाइल या कोई भी मैसेज को हम लोग रिसीव करते हैं तो हम लोग क्या उसके लिए बन जाएंगे, रिसीवर बन जाएंगे। इट इज़ फास्ट एंड जनरली डिलीवर्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, यानी कि ये इतना फास्ट है कि अगर आप लोगों को ये कुछ ही सेकेंड्स में आपके सामने मिल जाएगा, लेकिन एक ही बार आपको ये समझ मीन्स के ये ध्यान में रखनी है कि अगर डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क स्पीड, अगर आपकी नेटवर्क स्पीड ज़्यादा फास्ट है तो तुरंत ही सामने वाले पर्सन को मिल जाएगा, वरना क्या होगा कि उस जो भी आप लोगों ने मैसेज सेंड किया होगा वो सामने वाले पर्सन को थोड़ी देर के बाद मिलेगा, आफ्टर सेंडिंग, यानी कि जब आप लोग सेंडिंग कर दोगे उसके बाद उसको मैसेज मिल जाएगा। अगर नेटवर्क की स्पीड, इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो तुरंत सामने वाले को जैसे वो रिफ्रेश करेगा ऑटोमेटिक वो क्या उसको जो भी मैसेज या फाइल आप लोगों ने सेंड की होगी वो मिल जाएगी। इट कैन बी सेंड एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, यस, आप लोग कोई भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे, किसी भी प्लेस के थ्रू वहाँ से आप लोग, सॉरी, ड्यूरिंग द डे एनी वेयर इन द वर्ल्ड एंड टू मैनी पीपल सिमिलियसली, यानी कि आप लोग कोई भी मैसेज को किसी भी टाइम पे, कोई भी दिन में, कहीं कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में आप लोगों को जितने मैसेज जितने लोगों को भेजना है आप लोग उसी टाइम पे उसको भेज सकते हो। इसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको ये मैसेज एक ही पर्सन को भेजना है या फिर दो पर्सन को भेजना है, आप लोगों को जितने चाहे उतने पर्सन को भेज सकते हो, कोई भी किसी भी जगह से किसी भी टाइम के थ्रू वहाँ से आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन आपका जो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए वो एक्टिव होना चाहिए, वरना वो मैसेज जाएगा नहीं, यानी कि सेंड होगा नहीं। सम ऑफ द पॉपुलर ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर्स आर जीमेल, यानी कि गूगल मेल, याहू मेल, एक्सेट्रा आर देयर, बट वी आर ऑलरेडी यूज द जीमेल, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जीमेल, यानी कि गूगल मेल का अकाउंट का हम लोग यूज़ करते हैं। यू सिंपली नीड टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट विथ एनी ऑफ दिस सर्विस प्रोवाइडर, यानी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, यानी कि जीमेल का, याहू का, रिडीफ मेल का, एमएसएन का, आपको जैसी मर्जी, आपकी मर्जी कि आपको किस अकाउंट के कौन सी सर्विस प्रोवाइडर को कौन सी सर्विस अच्छी लगती है, किसके थ्रू में उसको यूज़ करना है, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, बट उसमें आप लोग यानी कि उस सर्विस के थ्रू आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन ईमेल अकाउंट यू सिंपली लॉग इन टू योर ईमेल अकाउंट एंड टू सेंड एंड रिसीव मेल्स,
अगर ऑलरेडी आपके पास ईमेल अकाउंट है क्रिएट, आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हो, तो आप लोगों को क्या करना है उसमें लॉगिन हो के आपको जो भी मैसेज को सेंड करने हैं या फिर रिसीव करने हैं, यहाँ पर मैसेज सेंड होते हैं लेकिन उसे हम लोग क्या कहेंगे, ईमेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको पोस्ट करते हैं, यानी कि हम लोग सेंडर हो गए, यानी कि उसमें क्या लगता है टू, और जिसको भेजना है उसको हम लोग क्या लिखते हैं टू, और हमारा एड्रेस जहाँ पर भी आता है हम लोग उसको वहाँ पर क्या लिखते हैं फ्रॉम। तो सेम थिंग यहाँ पर क्या होगा, जो भी सेंडर है यानी कि मुझे अगर सेंड करना है कोई भी मैसेज को तो वहाँ पर मुझे उसका ईमेल आईडी लिखना ज़रूरी है, यानी कि ईमेल एड्रेस इज़ अ वन टाइप ऑफ एड्रेस। तो वी आर सेंडर, और जो भी सामने वाला पर्सन उसको रिसीव करेगा तो वहाँ पर भी उसको पता चलेगा अपने मेल आईडी के थ्रू, या जो भी हम लोगों ने सेंड किया तो अपना भी मेल आईडी होगा तो उसके थ्रू उसको पता चलेगा कि ये मैसेज किसने भेजा और कहाँ से भेजा है। क्लियर? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। नाउ हियर द वन ऑफ द एग्जाम्पल इज जीमेल का एक एग्जाम्पल दिया गया जिसमें इनबॉक्स का एक आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं जीमेल में जैसे हम लोग लॉग इन करते हैं तो इनबॉक्स आ जाता है, उसमें तीन ऑप्शन होते हैं प्राइमरी, सोशल एंड प्रमोशनल। जब भी अकाउंट क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को यहाँ पर ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यू यूज़ टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स टू टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो आप सभी लोग करते हैं यूज़। जस्ट अगर किसी फ्रेंड्स के या फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको बातचीत करनी है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? मोबाइल फ़ोन का। यस, विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी यू कैन नाउ सी द पर्सन विथ हुम यू आर टॉकिंग। अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई तो हम लोग उसको सामने वाले पर्सन को देख भी सकते हैं कि हम लोग किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दिस टेक्निक ऑफ वॉचिंग द पर्सन वाइल टॉकिंग टू हिम इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये जो टेक्निक है वॉचिंग की, हमने सामने वाले पर्सन को हम लोग देख भी सकते हैं, उसके साथ हम लोग बातचीत भी कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देयर कैन बी मोर देन टू पर्सन एट डिफरेंट लोकेशन सिमल्टेनियसली टॉकिंग टू ईच अदर बाई बोथ ऑडियो एज वेल एज वीडियो। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होगा कि हम लोग दो पर्सन, मोर देन टू पर्सन यानी कि दो पर्सन के साथ हम लोग कहीं से भी उसके, यानी कि डिफरेंट लोकेशन के थ्रू हम लोग उसके साथ बातचीत कर सकते हैं टू ईच अदर बाई बोथ ऑडियो एंड एज वेल एज वीडियो। यानी कि ऑडियो भी हम लोग उसके साथ बातचीत करते हैं और फेस टू फेस हम लोग उसके साथ भी बातचीत कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को भी पता चले सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, किस तरह से उसका बिहेवियर है, क्या है वो सुन भी। जब हम लोगों को आंसर मिलता है तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी आवाज़ उसके पास पहुंचती है, वरना तो क्या होगा हमारी आवाज़ भी नहीं पहुंचेगी तो उसको कुछ भी सुनाई देगा नहीं। फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यू शुड बी कनेक्ट टू इंटरनेट। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव बनाना रहेगा, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन को ऑन करना पड़ेगा। In addition to internet, you need to have a webcam and a microphone connected to your computer and laptop. यानी कि अगर इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो गया लेकिन वहाँ पर आपको क्या ज़रूरत रहेगी? वेबकैम की। जैसे हमारे मोबाइल में क्या होता है? फ्रंट कैमरा। तो उसमें लैपटॉप और कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? वेबकैम। यस, एंड ऑल्सो माइक्रोफोन। यानी कि माइक्रोफोन आप सभी के कंप्यूटर लैपटॉप में होते हैं, बस हमें क्या करना है उसके रिलेटेड हमें जो भी हैंड्स फ्री है या फिर उसके रिलेटेड जो भी डिवाइस होते हैं वहाँ पर हमें लोगों को उसको अटैच करना रहेगा, ताकि आप लोग उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस इजीली कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ वेरी यूजफुल। यस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनीज लोकेटेड डिफरेंट प्लेसेस कैन गेट ईच अदर फेस टू फेस बाय यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यस, वीडियो कॉन्फ्रेंस बहुत ही ईजी है, लेकिन जहाँ पर भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ होती है जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होती है, तो वो लोग क्या करेंगे? फेस टू फेस एक दूसरे के साथ अटैच यानी कि टच हो सके, यानी कि टच मींस उसके साथ कनेक्टेड हो सके, ये उसके लिए सबसे ज़्यादा ईजी रहेगी। कि हमें मीटिंग लेनी है तो हम लोग एक जगह पे सभी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो वहाँ पर क्या करेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इट हैज़ प्रमोटेड ई लर्निंग एज नॉलेज ऑफ टीचर्स एंड लेक्चर्स लिविंग इन सिटीज़ कैन बी ब्रॉट टू रिमोट एरियाज एंड विलेजेस। यानी कि ये प्रमोट भी करता है कैसे लर्निंग को? एजुकेशनल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग को। जैसे नॉलेज है कोई भी टीचर है, जैसे हम लोग अभी आप लोगों को पढ़ाते हैं, हम लोग आपके पास नहीं आ सकते लेकिन हम लोग ऑनलाइन वीडियोस आप लोगों को शेयर करते हैं। जो हम लोग एक ही सिटी में है या फिर कोई भी ऐसे विलेजेस में बैठे जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पाते, लेकिन वहाँ पर हम लोग अपने वीडियोज को भी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। इन मेडिकल फील्ड द सर्जन्स कैन गाइड सर्जरीज हैपनिंग इन डिफरेंट लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम देयर ओन
हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड में ये क्यों यूज़ होता है? अगर किसी भी सर्जन को कोई भी सर्जरीज करनी है या फिर कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट देनी है, अगर उसको नहीं पता होता है तो हम लोग उसको फेस टू फेस कम्युनिकेशन के थ्रू पूरे वर्ल्ड में, चाहे किसी भी अपने हॉस्पिटल में बैठे बैठे हम लोग दुनिया वर्ल्ड की कोई भी हॉस्पिटल के कोई भी डॉक्टर के साथ उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम लोग अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. यस, सो दैट्स वी कैन यूज़ इन द मेडिकल फील्ड. इट हैज़ हेल्प इवन डिफ म्यूट एंड हार्ड ऑफ हियरिंग पीपल हु कैन नाउ कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग साइन लैंग्वेज. यानी कि ये कैसे पर्सन को जो डिफ है, जो सुन नहीं सकते या फिर जो बोल नहीं पाते, ऐसे पर्सन को अपनी लैंग्वेज में यानी कि साइनिंग की लैंग्वेज में, यस साइन की लैंग्वेज में उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं. कई बार आप लोगों ने देखा होगा टीवी सीरियलों में कि हम लोग कई बार पर्सन को ऐसे देखते जो इशारों में बातचीत करते हैं. यस, कि सामने हम लोग इशारे करते हो, सामने वाला पर्सन उसको ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, उसको क्या बताना चाहते हैं. तो वहाँ पर ये इस लैंग्वेज को हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन चैट सर्विस प्रोवाइडर्स गिव फैसिलिटी ऑफ वीडियो चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. यस, कि कोई भी जो भी कंपनियाँ है जो ऑनलाइन चैट सर्विस की हमें परमिशन दे रहा है, उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आप लोगों को वीडियो चैट एंड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस की परमिशन प्रोवाइड करता होगा. There are software also available which allow you to do video conferencing. Some popular software are iCall, then TrueConf, Meetings, IO, etc. अभी तो हम लोग WhatsApp को use करते हैं video conference करने के लिए, then Zoom को, Zoom application को हम लोग use करते हैं. तो ऐसी कई सारी application आप लोगों के सामने पास है जहाँ से हम लोग उसके through यानी कि video and audio conferencing को use करते हैं. Next one is Voice over Internet Protocol. यानी कि क्या है VOIP, यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, कि अपनी जो वॉइस है हम लोग इंटरनेट के थ्रू सामने वाले पर्सन को भेजे. इज अ टेक्नोलॉजी विच गिव्स कॉलिंग फैसिलिटी ओवर द इंटरनेट. यानी कि ये टेक्नोलॉजी में क्या मिलेगा आप लोगों को, कॉलिंग फैसिलिटी मिलेंगी, लेकिन किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ही. इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर वॉइस कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क्स लाइक इंटरनेट. यानी कि इसमें क्या आप लोगों को, ये किसके लिए यूज़ होती है, अपना वॉइस कम्युनिकेशन, यानी कि सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन होगा, उसमें कोई भी फेस टू फेस या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी कोई चीज़ होगी नहीं. जैसे हम लोग नॉर्मली फ़ोन में बातचीत करते हैं तो वैसी बातचीत होगी, लेकिन किसके थ्रू होगी, यस इंटरनेट के थ्रू. द फर्स्ट VOIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वॉज डेवलप्ड इन 1973 बाई डेनी कोहेन. यानी कि कब फर्स्ट, यानी कि डेवलप कब हुआ था, 1973 में, और किसने डेवलप किया था, डेनी कोहेन ने. ही नेम्ड दिस सर्विस एज नेटवर्क वॉइस प्रोटोकॉल. उसने क्या नाम दिया था उस सर्विस का, नेटवर्क वॉइस प्रोटोकॉल. द कॉमर्शियल यूज ऑफ VOIP स्टार्टेड एज लेट एज 2004. यानी कि कॉमर्शियल यानी कि बिजनेस पर्पज के लिए ये चीज़, यानी कि ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो टेक्नोलॉजी है, वो 2004 के बाद, यानी कि उसके बाद ये सर्विस आप लोगों के सामने यूज़ होनी स्टार्ट हो गई. VOIP इज इंटरनेट बेस्ड टेलीफोन सर्विस विच इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रांसफर वॉइस फैक्स SMS एंड वॉइस मैसेजिंग. यानी कि ये कैसी टेक्नोलॉजी जहाँ पर आपको टेलीफोन सर्विस की भी यूज़ मिलते हैं, उसकी सर्विस भी मिलती है, लेकिन उसके थ्रू हम लोग क्या क्या चीज़, कौन कौन सी चीज़ को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना वॉइस, देन फैक्स, कोई भी हमें लेटर भेजना है हम लोगों को, यहाँ पर सिर्फ उसको सेंड करना है, सामने वाला पर्सन उसके थ्रू वहाँ पे उसकी प्रिंटर, जैसे हम लोग जेरोस्कोपी निकालते हैं वैसे इसमें वहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी. SMS एंड वॉइस मैसेजिंग, जैसे हम लोग व्हाट्सअप में या फिर नॉर्मली टेक्स्ट मैसेज में करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मैसेज लिख के छोड़ देते हैं, यस, या फिर अगर हमें कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना है तो हम लोग वॉइस मैसेजिंग के थ्रू वहाँ पर उसको सेंड कर देते हैं. VOIP इज़ अवेलेबल ऑन स्मार्टफोन्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेज दैट कैन एक्सेस इंटरनेट. यानी कि ये कौन कौन सी चीज़ में अवेलेबल है, स्मार्टफोन्स में अवेलेबल है, पर्सनल कंप्यूटर में यानी कि PC में अवेलेबल है, लैपटॉप में भी अवेलेबल है, कोई भी हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर आप लोगों को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता हो, टैबलेट है, लैपटॉप है, ऐसे कई सारे ऐसे हार्डवेयर होते हैं जहाँ पर हम लोग इंटरनेट वहाँ पर कनेक्ट कर सके, ये सभी जगहों पर आप लोग उसको यूज़ करने को मिलेगा, यानी कि ये सर्विस आप लोगों को यूज़ करने को मिलेगी. नाउ सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ VOIP, लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन. इसमें कोई भी लो आपको कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पे नहीं करना पड़ा, आप लोग जो इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हो या फिर जो भी बिल पेमेंट करते हो उसके साथ ही ये चीज़ आप लोगों के सामने मिल जाएगी. लेस कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इसमें कम्युनिकेशन भी कम रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी रहेगा, वो भी
कम रहेगा, आपको कोई उसके लिए पर्टिकुलर ऐसी कोई भी डिवाइस या उसको परचेस करने की ज़रूरत रहेगी नहीं। कैन बी यूज ऑन वेरियस डिवाइसेज लाइक पीसी, लैपटॉप, मोबाइल एक्सेट्रा। ये चीज़ हम लोग किसी भी जगह पे यूज़ करते हैं, कोई भी डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप लोग घर पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है या सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, उसके थ्रू भी हम लोग उसको यूज़ करवा सकते हैं। वीओआईपी टू वीओआईपी कॉल्स आर जनरली फ्री, यानी कि इंटरनेट बेस्ड जो हम लोग कॉल करते हैं, वन इंटरनेट टू सेकेंड इंटरनेट, तो वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा, उसमें कोई भी चार्जेस आप लोगों के लगते नहीं है। वरना तो क्या होगा कि अगर आप लोगों को, पहले तो क्या था, पहले हमारे जो नॉर्मल टेक जो रेगुलर ट्रेडिशनल जो हमारी कम्युनिकेशन थी उसमें तो आप लोगों को एसटीडी के चार्जेस लगते थे, बट यहाँ पर जो इंटरनेट बेस्ड हो गया, जैसे कि आप लोग व्हाट्सअप टू व्हाट्सअप कॉल करते हैं, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ इंटरनेट का जो भी डेटा होगा वो भी वही कंजप्शन होगा और कोई चीज़ कंजप्शन होगी नहीं। नाउ सम ऑफ द एडवांटेजेस दैट विल बी ऑफ वीओआईपी सर्विसेज। फर्स्ट वन इज़ लॉस ऑफ डेटा। यस, जो भी इंटरनेट कनेक्शन, अभी तो हम लोग क्या करते हैं, डेली हमें 2 GB इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, यानी कि 2 GB हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे यूज़ करोगे, जैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, किसी ने ऑनलाइन कॉल किया है व्हाट्सअप के थ्रू, तो उसमें डेटा लॉस होगा। यस, तो वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट सर्विस की ज़रूरत रहेगी। तो इज वन टाइप ऑफ डिसएडवांटेज, लेस रिलायबल, ट्रस्टेबल नहीं उतना कि हम लोग उसको रेगुलरली उसको यूज़ करें। डिले ड्यू टू हैवी इंटरनेट ट्रैफिक, यानी कि डिले भी हो सकता है। चलो मैंने अभी आपको कॉल किया, लेकिन आपको कॉल सामने वाले पर्सन को 2 या 3 मिनट के बाद मिला, 5 मिनट के बाद मिला, क्यों? ताकि जैसे हम लोग ट्रैफिक में हम लोग फंस जाते हैं, वैसे यहाँ पर इंटरनेट में भी ट्रैफिक होता है कि एक साथ कई सारे डेटा ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक की वजह, इंटरनेट ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, मैसेज भी डिले हो सकता है। नो कनेक्टिविटी टू रूरल एरियाज एंड विलेजेस, यानी कि जो भी ऐसे सिटीज़ होते हैं, ऐसे विलेजेस होते हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं मिलता है, वहाँ पर आप लोग को कोई किसी भी टाइप की कनेक्टिविटी नहीं होती, तो हम लोग किसी के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर वीओआईपी सर्विसेज यूज्ड इन गूगल टॉक, कि नाउडेज हम लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ को यूज़ करते हैं, गूगल टॉक या फिर स्काइप। ये दो ऐसी सर्विसेज है, दो ऐसे सॉफ्टवेयर है, दो ऐसी एप्लीकेशन जो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। सो वन ऑफ द स्क्रीन इज़ गिवन हियर, यहाँ पे एक इमेज दी गई है स्काइप की, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि आप लोग किसके साथ बातचीत करते हो, सामने वाले पर्सन कौन बैठा है, कितने लोग कनेक्टेड होते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से उसको देख सकते हैं। क्लियर एवरीवन? सो यू कैन सी सीन इन द फिगर कि आपका, आपकी डिटेल कहाँ पर होगी, आपके सामने वाले पर्सन में कौन आपके साथ बातचीत कर रहा है, कौन पर्सन है, कौन मीन्स के उसके साथ कनेक्टेड हुआ है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू, यानी कि स्क्रीन के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगी। नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट द स्काइप इन योर मोबाइल फ़ोन, यू कैन डाउनलोड द स्काइप फ्रॉम योर कंप्यूटर, www.skype.com, उसकी वेबसाइट में से आप लोग डाउनलोड करोगे, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, आपके कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाए, हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो वहाँ पर आपको सिर्फ लॉगिन करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली साइनिंग करके, यानी कि क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे, यानी कि उसको यूज़ कर सकते हैं। यस, क्लियर एवरीवन? सो एंटरिंग योर ईमेल एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, जैसे हम ईमेल आईडी डाल दिया, एंटर करवा दिया, तो ऑटोमेटिक आपको नेक्स्ट बटन देना पड़ेगा, उसके बाद क्या, आपको वैलिड पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद भी आप लोगों को नेक्स्ट बटन प्रेस करना ज़रूरी है। द स्काइप आस्क यू अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स सच एज योर नेम एंड इट ऑल्सो आस्क टू अपलोड योर फोटो, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन, यानी कि कुछ अपनी पर्सनल डिटेल भी यहाँ पर आप लोगों को एंटर करवानी रहेगी, ताकि आप लोग कौन हो, कहाँ से बातचीत कर रहे हो, किसके थ्रू बातचीत कर रहे हो। यस, ये सारी की सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, आप लोगों को अपना फोटो भी डालना पड़ेगा, ताकि सामने वाले पर्सन को पता चले आप लोग किसके साथ बातचीत कर रहे हो, कि आप कौन, मीन्स के कौन कौन पर्सन आप लोग बात कर रहे हो। कई बार ऐसा हम लोग बोलते हैं कि चलो कोई अननोन नंबर्स में से फ़ोन आया, हमारे जान पहचान वाले होते हैं लेकिन नंबर सेव नहीं होता, हम लोग उसको नहीं जानते, हम लोग क्या पूछे कि कौन बोल रहा है। यस, सो ऐसे कई सारे ऐसी सामने वाले पर्सन को दिक्कत ना आए, तो उसकी वजह से हम लोग वहाँ पर उसको फोटो अपलोड करवाने की ज़रूरत रहेगी, एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। उसके बाद स्काइप फर्दर आस्क यू फॉर चेकिंग योर माइक्रोफोन एंड वेबकैम, उसके बाद वो क्या चेक करेगा कि आप में या फिर मोबाइल फ़ोन में माइक्रोफोन एंड वेबकैम ऑन है कि नहीं है। तो जब भी आप लोग उस बटन को, कंटिन्यू बटन को क्लिक करोगे इस टाइम, तो स्काइप वेलकम स्क्रीन ओपन, यानी कि स्काइप की जो वेलकम स्क्रीन होती है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी,
उसके इनसाइड में आपको जितने भी कॉन्टैक्ट ऐड करने हैं वो आप लोगों को टैब यानी कि कॉन्टैक्ट्स टैब के थ्रू वहाँ पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि अकाउंट तो क्रिएट हो गया लेकिन कौन पर्सन है उसमें ऐड करना है, किसी को ऐड करना है नहीं करना है, किसके साथ हम लोगों को बातचीत करनी है, तो वहाँ पर यानी कि प्लस कॉन्टैक्ट की साइन के थ्रू हम लोग वहाँ पर उसको ऐड करवा सकते हैं। यस, सो एंटर योर स्काइप आईडी, क्या अगर आपका स्काइप का आईडी है तो वो भी एंटर करके सामने वाले पर्सन को इनवाइट कर सकते हो। तो उसके थ्रू हम लोग उसको, जैसे हम लोग किसी के पर्सन के साथ हम लोग बातचीत करें तो वी कैन सिलेक्ट द नंबर्स, नंबर्स को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो देन वी कैन क्लिक ऑन द डायल बटन। तो यहाँ पर आपको क्या क्लिक करना पड़ेगा, जैसे ही पर्सन को आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया कि हमें इसके साथ बातचीत करनी है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, कॉल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सामने वाले पर्सन को रिंग चली जाएगी एंड वी कैन यूज़ द वॉइस कॉल टू द पर्सन, यानी कि उसके साथ हम लोग वॉइस कॉल के थ्रू बातचीत करेंगे। अगर वीडियो कॉल करना है तो हम लोग वीडियो कॉल के बटन को क्लिक करेंगे और उसके साथ हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा सकते हैं। स्काइप वॉज डेवलप्ड बाय निकोलस जेनस्ट्रॉम। यस, कि ये स्काइप किसने डेवलप किया था, निकोलस जेनस्ट्रॉम ने एंड जेनुस फ्रेलिस इन 2003, यानी कि इन विच ईयर 2003 में। इट वॉज टेकन ओवर बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 2011, यानी कि ये बाद में किसने उसने टेक ओवर कर लिया, यानी कि उसने ले लिया, परचेस कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी कि कौन सी साल में, 2011 के साल में। अब ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई, जैसे अभी फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, तो जैसे मार्क जुकरबर्ग है, तो ये सारी की सारी चीज़ उन लोगों ने एक साथ कनेक्टेड करवा दी। तो ये जो स्काइप एप्लीकेशन है आप लोग अपने मोबाइल के थ्रू भी उसको यूज़ कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर में या फिर आईफोन के थ्रू वहाँ पर डाउनलोड करके। तो जैसे अब यहाँ पर हम लोग कोई भी चीज़ को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या लिखा हुआ आता है, फेसबुक। तो यहाँ पर ये चीज़ में क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेस कर लिया, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ उसका लोगो वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन फॉर दिस थिंग? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड VOIP, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन इज़ चैटिंग। ये तो मुझे सबसे ज़्यादा मीन्स के कोई ऐसी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी यूजिंग दिस थिंग। चैट मीन्स अ कन्वर्जेशन दैट टेक्स प्लेस इन अ फ्रेंडली एटमोसफियर। चैट का मीनिंग क्या होता है, इज़ अ वन टाइप ऑफ कन्वर्जेशन, एक ऐसी प्लेस जहाँ आप लोग फ्रेंडली अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव के साथ आप लोग बातचीत कर सकते हो, एक ऐसा एटमोसफियर। ऑनलाइन चैट रिफर्स टू अ कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मैसेजेस अमंग द कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट। ऑनलाइन चैट का मीनिंग क्या होता है, इज़ अ वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन उसका फॉर्म कैसा रहेगा, स्मॉल मैसेज, शॉर्ट मैसेजेस। जैसे हम लोगों को थैंक यू लिखना है, वी आर नॉट राइटिंग द राइट डाउन द फुल फॉर्म, थैंक यू हम लोग पूरा नहीं लिखते, लेकिन उसके जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, THNQ, थैंक यू। इज अ शॉर्ट मैसेजेस टू अमंग द कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट, यानी कि कंप्यूटर की मदद से, लेकिन किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। जस्ट लाइक SMS सर्विस ऑन मोबाइल फोन्स, जैसे हम लोग मोबाइल फोन में SMS सर्विस होती है वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इट कैन बी वन पर्सन टू वन पर्सन और वन पर्सन टू मैनी पर्सन, यानी कि ये एक पर्सन के साथ आप लोग वन टू वन या फिर वन टू मैनी, यानी कि मुझे किसी एक पर्सन के साथ बातचीत करनी है तो हम लोग रेगुलरली हम लोग प्राइवेट चैट करते हैं, यानी कि वन पर्सन के थ्रू हम लोग उसको कम्युनिकेशन करते हैं। अभी तो क्या हो गया, आप लोग ग्रुप बनाते हो ऑटोमेटिक, तो ग्रुप में आप लोग क्या करते हो, कोई एक पर्सन मैसेज करता है तो सभी पर्सन को, सामने वाले जितने भी मेम्बर होते हैं सभी पर्सन को वो मैसेज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, वन टू वन या फिर वन टू मैनी पर्सन के साथ हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि चैट करवा सकते हैं। चैटिंग हेल्प इन फ्री टॉक अमंग पीपल हु आर सिटिंग इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि चैटिंग क्या है, इज़ अ फ्री टॉक। उसमें कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको ये चीज़ करनी है या फिर ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई भी परमिशन लेनी पड़ेगी। इज़ अ फ्री ऑफ थिंग, इज़ अ फ्री टॉकिंग, कि कोई भी पर्सन किसी भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी कॉर्नर में अगर क्यों ना बैठा हुआ, लेकिन आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा, एक्टिव होगा, तो ऑटोमेटिक आप लोग उसके साथ बातचीत कर सकते हो। Some of the popular online chat programs for computers are Google Talk, Yahoo Messenger, Live Chat and PureChat. ये किसके थे प्रोग्राम, कंप्यूटर के, बट वी आर यूजिंग इन मोबाइल फ़ोन। अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा यूज़ करते तो उसमें भी आप लोग को कई सारे ऐसे प्रोग्राम मिलते हैं, जैसे कि WhatsApp, Viber, WeChat, ChatOn, यस, जैसे कई सारे एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको किसी की देनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी यूजिंग द WhatsApp। आप सभी लोग व्हाट्सअप को यूज़ करते ही हो, तो वहाँ पर मुझे उसको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत रहेगी नहीं, कि उसको चैट कैसे करना है, किस तरीके से हम लोग उसको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वन, नेटवर्किंग।
सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज इज अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन कॉमन इंटरेस्ट और एक्टिविटीज कैन कनेक्ट विथ ईच अदर। यस, कि सोशल नेटवर्किंग में क्या होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सर्विस कि आप लोग कोई भी कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू, कोई भी अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू आप लोग एक दूसरे पीपल के साथ यानी कि कनेक्ट रह सकते हो। हम लोग वहाँ पर जा नहीं सकते, लेकिन उसके थ्रू हम लोग उसके फ़ोटोज़ को देखकर, उसके जो भी आइडियाज़ है, उसने जो भी शेयर किया है, उसको कमेंट के थ्रू, उसको लाइकिंग के थ्रू हम लोग वहाँ पर उसको देख सकते हैं, उसको लाइक भी करवा सकते हैं। यस, क्लियर एवरीवन? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल नेटवर्किंग। इट अलाउज यू टू शेयर। यस, ये क्या करेगा, ये आपको शेयर भी करने देगा आप लोगों को अपने व्यूज़, आइडिया एंड सजेशन। कि अगर किसी को आपको व्यू देना है, किसी को सजेशन देना है, कोई भी चीज़ आप लोगों को अपनी बतानी है, कोई भी आइडियाज़ आप लोगों को आए हैं तो वो भी आप, अगर आप लोगों को बताने हैं तो ये ऐसी कई सारी चीज़ आप लोगों को वहाँ पर उसको दे सकते हैं, यानी कि उसको शेयर करवा सकते हो। यू कैन ऑल्सो शेयर ऑडियो, वीडियो एंड स्टिल इमेजेस विथ योर फ्रेंड्स एंड कॉन्टेक्ट्स। यानी कि आप लोग क्या शेयर कर सकते हो, आप लोग अपने ऑडियोज़ भी शेयर कर सकते हो, वीडियो भी शेयर कर सकते हो, कोई भी इमेज को अगर शेयर करना है आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कॉन्टेक्ट के साथ, तो वो भी आप लोग वहीं से उसको शेयर करवा सकते हो। तो हम वहाँ पर हमने क्या चाहिए, अकाउंट होना ज़रूरी है। सम सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑल्सो अलाउज यू टू क्रिएट ग्रुप्स दैट शेयर कॉमन इंटरेस्ट। यानी कि कुछ ऐसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जो आपको ग्रुप भी क्रिएट करने के लिए देगा, ताकि आपको एक ही बार उस पर्सन को, यानी कि उस ग्रुप में आप लोग इंश्योर, जैसे हम लोग व्हाट्सएप में शेयर करते हैं कि हम लोग कोई भी फाइल को अगर हमें सेंड करना है तो वी कैन ओनली सेंड द वन ग्रुप, तो आप सभी को ऑटोमेटिक वो फाइल मिल जाए। तो वैसे ही कुछ वेबसाइट ऐसी भी है जहाँ पर आप लोगों को ग्रुप क्रिएट करने की भी परमिशन दे रहा है, तो वहीं से हम लोग उसको वहीं से हम लोग उसको क्या करेंगे, उस ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि उसमें जितने भी पर्सन है जो कॉमन इंटरेस्ट हम लोगों को वहाँ पर ग्रुप में, जितने भी लोगों ने ऐड हुए हैं या फिर हम लोगों ने उस कॉन्टेक्ट को ऐड करवाए, वो सभी लोगों को वहाँ पर मिल जाए। देन यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट फेसबुक द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज। इसके बारे में तो मेरे ख्याल से सभी को पता है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपका अकाउंट ऑलरेडी होता ही है। बट ऐसा है कि उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा कोई भी हम लोग इमेज को शेयर करना है, लाइक करना है, किसी को कमेंट देनी है, अच्छा है बुरे है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हम लोगों को शेयर करनी, कोई भी ऐसे वीडियोज़ आए तो हम लोग उसको डायरेक्टली हम शेयर करते या फिर डाउनलोड करके अपने ग्रुप में डाल देते, ताकि सभी लोग उसके बारे में जान सके, उसके बारे में उसको पता भी चले। सम अदर गेनिंग पॉपुलरिटी आर टम्बलर, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कुछ ऐसी भी पॉपुलर दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, जो दूसरे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती है, जैसे कि टम्बलर है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। यस, दिस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आर ऑल्सो यूज एज अ मार्केटिंग हब। यानी कि ये जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है इज़ अ वन टाइप ऑफ मार्केटिंग, यानी कि इसके थ्रू आप लोग मार्केट भी अपने कोई भी बिजनेस के थ्रू, आप लोग जहाँ पर भी बिजनेस करते हो, जो फैक्ट्री होती है उसके जो भी आप लोग चीज़ें बनाते हो उसका भी मार्केटिंग आप लोग इसके थ्रू करवा सकते हो। यानी कि हज़ारों लोगों के पास आपके थ्रू, यानी कि जो भी आपकी थिंग्स है वो सभी लोगों के पास पहुँच जाए, इज़ अ वन टाइप ऑफ मार्केटिंग हब भी है, उसको ऐसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। देर आर एन इमेंस store of knowledge and information as experience of people from across the world are shared. यानी कि ये क्या हो गया, इज़ अ वन टाइप ऑफ स्टोर, जिसके थ्रू दूसरे लोगों को नॉलेज भी मिलेगी, उसके बारे में उसको पता भी चलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, ताकि ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे भी लोग, ऐसे एक्सपीरियंस पीपल भी बैठे हुए हैं जो आप लोगों को अपने आइडियाज़ भी शेयर करेंगे, वो भी यहाँ पे कुछ भी अच्छा ऐसा लगा तो वो भी अपनी प्रोडक्ट को या फिर जो भी अपनी चीज़ हम लोगों ने वहाँ पर अपलोड करवाई वो भी दूसरे लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। However, these services are generally considered as a source of distraction from education for students. Yes, the most popular social networking service Facebook looks like that. You will know very well कि वो फेसबुक का पेज कैसा होता है और उसको हम लोग कैसे उसको यूज़ करते हैं। It allows you to share a brief profile about yourself, your photo, likes and dislike. It allows you to maintain your friend list, you can post your views and ideas as well as see post of your friends and friends of friends. यानी कि ये क्या करेगा, आप लोगों को ये चीज़ अलाउ करेगा कि ब्रीफ प्रोफाइल अगर आप लोगों को रखनी है आपके फ़ोटो के बारे में, अपने बारे में, या फिर आपको लाइक करना है, डिसलाइक करना है। अभी तो हम लोग कई सारे ऐसे मीन्स के जो भी हम लाइकिंग करते हैं फेसबुक में, तो आप लोगों को अच्छा लगा, बुरा लगा, किसी को रोना आ गया, कोई एंग्री है, तो ऐसे कई सारे इमोजीज आप लोगों को वहाँ पर मिलते हैं। जो भी आप लोगों को लगे वैसा आप लोग इमोजीज को सिलेक्ट
करते हो, तो ये एक चीज़ और भी करेगा, आपको अलाउ भी करने देगा, यानी कि आपको यूज़ करने के लिए देगा, क्या मेंटेन योर फ्रेंड लिस्ट, कि आपको कौन से किसको फ्रेंड बनाना है, किसको किस में डालना है, किस टाइप का फ्रेंड है, सिर्फ फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके हिसाब से वहाँ पर आप लोग अपने फ्रेंड लिस्ट को भी मेंटेन कर सकते हो। और ऑल्सो यू कैन पोस्ट योर व्यूज़, आप लोग अपने व्यूज़, आइडियाज़, अपने फ़ोटोज़, अपने वीडियोज़, या फिर आप लोगों ने किसी के फ़ोटोज़ देखे, उसको लाइक करना है, उसको शेयर करना है, फ्रेंड्स के वीडियोज़ को लाइक करना है, उसके भी फ़ोटोज़ आप लोग मीन्स के उसको वहाँ पर टैग किया, अपने जो भी अपने फ्रेंड्स है, किसी ने उसको टैग किया हुआ है, तो उसके फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आप लोगों में ऑलरेडी दिखाई दे, बिकॉज वो आपका फ्रेंड है, चाहे उसके फ्रेंड ने आप लोगों को भेजा या नहीं भेजा वो दूसरी बात है, लेकिन उसका फ्रेंड अगर आपका फ्रेंड उसमें टैग किया हुआ है, यस, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसके थ्रू हम लोग उसके व्यूज़ भी हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, उसको लाइक भी कर सकते हैं, उसमें अगर कमेंट भी आपको करनी है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, और उसको शेयर करना है तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्या होता है सोशल नेटवर्किंग। न्यूज़ ग्रुप, इन ऑनलाइन कम्युनिटी न्यूज़ ग्रुप इज़ द टाइटल गिवन टू अ डिस्कशन ग्रुप। यस, ऑनलाइन कम्युनिटी में न्यूज़ ग्रुप का मीनिंग क्या होता है, इज़ अ डिस्कशन ग्रुप, यानी कि अगर हमें किसी कोई भी टॉपिक दिया हुआ है, जैसे हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि कोई भी टॉपिक के बारे में कई सारे लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा, कोई उसके उसके रिलेटिव कोई भी बुरा बोलेगा, कोई अच्छा बोलेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या उसको क्या कहेंगे, न्यूज़ ग्रुप। अ न्यूज़ ग्रुप फोकसेज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, यानी कि उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो लोग बातचीत करेंगे। दिस टॉपिक इज़ ऑफ जनरल इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट टू द न्यूज़ ग्रुप, यानी कि इस टॉपिक में कौन इंटरेस्ट लेगा, जो उसके जनरल इंटरेस्ट लेने वाले पर्सन है, कि जिसको उसके बारे में पता है, जैसे कि हम लोग न्यूज़ में कई बार देखते हैं कि दो कोई भी ऐसे टॉपिक पे कई सारे लोग उसका अपने अपने व्यूज़ देते हैं, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, उसके हिसाब से वो सारे लोग अपने हिसाब से वहाँ पर पार्टिसिपेट होते हैं। ऑल द पार्टिसिपेंट्स पुट अप देयर कमेंट्स और व्यूज़ ऑन द टॉपिक एज वेल एज ऑन द कमेंट्स और व्यूज़ ऑफ अदर पार्टिसिपेंट, यानी कि इसमें क्या होगा, जितने भी पार्टिसिपेंट करने वाले पर्सन है अपने कमेंट्स भी देंगे, अपने व्यूज़ भी देंगे उस टॉपिक के बारे में, और वहाँ पर वो लोग क्या लेंगे अपने कमेंट्स वहाँ से उसको, या फिर कोई भी ऐसे व्यूज़ है दूसरे पर्सन के थ्रू हम लोगों को मिलेंगे, जैसे कोई भी दूसरे पार्टिसिपेंट के थ्रू, तो वहाँ पर भी वो लोग वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। इन दिस वे अ नॉट फेस टू फेस डिस्कशन ऑन अ टॉपिक इज़ डन, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि फेस टू फेस ही डिस्कशन हो, यस, इज नॉट गिवन इज अ फेस टू फेस डिस्कशन। जनरली देर इज़ अ वन पर्सन नोन एज न्यूज़ एडमिन हु मैनेजेज द न्यूज़ ग्रुप, यानी कि ये कौन अप्लाई करेगा, जैसे हम लोग व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं, जो उसका एडमिन है वही किसी पर्सन को ग्रुप में एडमिन बना सकते हैं, यस, जैसे आप लोगों का ग्रुप है VI स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड 8 वाला, तो जो भी एडमिन है वही उसमें मैसेज सेंड कर पाएगा, और कोई भी पर्सन उसमें मैसेज या कमेंट्स कोई भी चीज़ के थ्रू पास आउट कर पाएगा नहीं, तो एडमिन के थ्रू ही, यस, कि जो भी न्यूज़ एडमिन है वही पूरे ग्रुप को मैनेज कर पाएगा। द न्यूज़ एडमिन कीप्स अ चेक ऑन द कमेंट्स ऑफ पार्टिसिपेंट, डिसाइड व्हेन टू स्टॉप डिस्कशन एज वेल एज अप्रूविंग द कमेंट्स और आर्टिकल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स बिफोर दे आर पोस्टेड ऑन द न्यूज़ ग्रुप पेज, यानी कि न्यूज़ एडमिन जो है वही डिसाइड करेगा, वही चेक करेगा कौन से पार्टिसिपेंट के कमेंट्स आए, कि क्या उन लोगों ने डिसाइड किया, कब उसको स्टॉप करना है, कब उसको अप्रूवल देना है, कि कोई भी हम लोगों को कमेंट्स अच्छी लगी तो उसको कैसे आर्टिकल में उसको मीन्स के प्रिंट आउट करना है, उसके न्यूज़ वहाँ पर उसको प्रिंट आउट करना है, उसको मीन्स के शो करवाना है कि नहीं करवाना है, वो कौन डिसाइड करेगा, न्यूज़ एडमिन। डिस्कशन कैन बी ऑन रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी न्यूज़ साइंस एंटरटेनमेंट मूवी सोशल इश्यूज मीडिया रिलीजियन पॉलिटिक्स म्यूज़िक आर्ट एजुकेशन एक्सेट्रा, यानी कि डिस्कशन कोई भी टॉपिक के रिलेटेड हो सकता है, वो टॉपिक चाहे कंप्यूटर हो, टेक्नोलॉजी हो, न्यूज़ साइंस हो, एंटरटेनमेंट हो, यस, मूवीज़ हो सकती है, म्यूज़ में हम लोग कई बार देखते हैं कि न्यूज़ में ये कोई भी मूवी चलो अभी यहाँ पर डिस्प्ले हुई है, तो कई सारे पर्सन उसके व्यूज़ लेते हैं, जो भी न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं या फिर न्यूज़ ग्रुप एडमिन लोग होते हैं, वहाँ पर क्या करेंगे, सभी पर्सन को पूछेंगे जिन लोगों ने मूवी देख ली, किसी को अच्छी लगी, कोई भी उसके बारे में कोई अच्छा बोलेगा, कोई उसके बारे में बुरा बोलेगा, कोई उसके बोलेगा कि ये हीरो अच्छा है इसमें, तो ऐसे कई सारे आप लोग अपने व्यूज़ को देख सकते हो, दे सकते हो। सोशल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मूवी मीडिया के रिलेटेड, रिलीजन के रिलेटेड, पॉलिटिक्स के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, आर्ट के बारे में, तो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आप लोग उसके डिस्कशन कर सकते हो न्यूज़ ग्रुप में। द न्यूज़ ग्रुप कैन बी जनरल एज वेल एज एरिया स्पेसिफिक,
न्यूज़ ग्रुप कैन बी ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक एट वन प्लेस, यानी कि न्यूज़ ग्रुप क्या है, इज़ अ वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसा प्लेस जहाँ से हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करवा सके, कैसी प्लेस जहाँ से हम लोगों को कई सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यस, चाहे वो चाहे इन्फॉर्मेशन ऑडियो में हो सकती है, वीडियो में भी हो सकती है, टेक्स्ट में भी हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी टाइप के फॉर्म में मिलेगी। यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको टेक्स्ट में मिले, इन्फॉर्मेशन किसी के पास ऑडियो में होती है तो ऑडियो में देगा, वीडियो में है तो वीडियो के थ्रू पास आउट करेगा, किसी के पास इमेज में होती है इन्फॉर्मेशन तो आप लोग वहाँ, इज़ अ वन टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसी सोर्स है जहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूज़ ग्रुप।